हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम अपने जीवन में कई बार निराश होते हैं, कई बार बहुत निराश होते हैं, इतने निराश होते हैं कि संसार में कुछ और करने की कभी इच्छा ही ना पैदा हो। लेकिन हम इतने निराश क्यों हो जाते हैं? एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आप सभी को। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका अभी भी जन्म हुआ है। अभी उसका जन्म हुआ है, उसे कुछ नहीं पता है संसार में क्या है, इस दुनिया में क्या है, कैसे लोग हैं, क्या होगा उसके साथ, इन सब चीज़ों से अनजान वो इस संसार में आता है। जब वो इस दुनिया में आया तो उसे कुछ नहीं पता था। फिर उसने लोगों को देखना शुरू किया, कोई उसे बुलाता था, बेटा पापा कहो, मम्मी कहो, ये भैया हैं, ये बाबा हैं, तो उनकी तरफ देखता था और वो सोचता था कि ये क्या कह रहे हैं। उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं था। अगर हिंदी में कहा गया तो वो हिंदी में, और अगर अंग्रेज़ी में उससे कहा गया तो अंग्रेज़ी में। उन चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, और जब उसे समझ नहीं आता था तो वो चिल्लाता था, वो अपनी भाषा में कुछ कह रहा होता था, पर वो कोशिश करता था उस शब्द को बोलने का। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, देखा लोगों को चलते हुए दौड़ते हुए, तो उसने हाथों के बल चलना सीखा। पहले नहीं चल पाता था, थोड़ी कोशिश की तो अपने हाथ और पैर के भरोसे उसने चलना सीखा। फिर सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, इससे तो मैं बहुत कम दूरी तय कर पाता हूँ, भाग नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। फिर उसने लोगों को खड़े होकर चलते देखा तो उसने खड़ा होना सीखा, और एक दिन में नहीं सीखा, खड़ा हुआ, गिर गया, फिर खड़ा हुआ, फिर गिर गया। पता नहीं कितने बार उसके साथ ये हुआ होगा, तब उसने खड़ा होना सीखा। और जब उसके पैर जमने लगे तो उसने एक पैर उठाया, आगे चलने की कोशिश की, और फिर गिर गया। फिर उसने कोशिश की, अपने पैर को आगे बढ़ाया, फिर गिर गया। ऐसा ऐसा हजारों हजारों बार उसके साथ हुआ, पर उसने गिरने और चोट खाने के डर से कभी चलने के प्रयास में कमी नहीं आने दी। और वो हर दिन प्रयास करता था कि मैं चलूं, मैं दौड़ूं। और इस सफ़र में उसे कई बार चोटें आई, उसने रोया, फिर चुप हुआ, फिर सारी चीज़ों को भूल गया, फिर से उसने कोशिश की। और एक दिन आया, एक समय आया जब वो चलना सीख गया। वो अपने कार्य में सफल हो गया, उसे उसकी मंजिल मिल गई। जानते हो बच्चा कौन है? वो बच्चा तुम हो। तुमने कोशिश की थी, तुम हजार बार गिरे थे, तुम रो रहे थे, और तुमने हार नहीं मानी, जिसकी बदौलत आज तुम चलते हो, दौड़ते हो, सोचते हो, सब कुछ करते हो। वही बच्चा जो लोगों के चेहरे की तरफ देखता था और सोचता था ये क्या बोल रहे हैं, वो उन सारी भाषाओं को सीख चुका है। अगर उस दिन तुमने हार नहीं मानी तो आज क्यों हार मान रहे हो? अगर एक बार सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड नोट करते हैं और हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। ये जीवन उपहार है उस बनाने वाले का, और इस जीवन में तुम्हारे पास इतने अवसर हैं सफल होने के, जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता। तुम पूरे संसार में इकलौते हो, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। ये कहानी तुम्हारे जीवन की है। अगर तुम उस दिन सफल हो सकते थे तो आज भी सफल हो सकते हो। अगर उस दिन हार नहीं मानी जब तुम चलना सीख रहे थे, तो आज क्यों हार मान रहे हो? तुम्हें अपने ही जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार में अगर प्रकृति ने तुम्हें भेजा है तो बहुत सारी नियामतों के साथ, पर तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। पहचानो अपनी क्षमता को, पहचानो अपनी शक्ति को। यदि तुम अब तक नहीं कर पाए तो अब करने की कोशिश करो। अपनी दिनचर्या को सही करो, अपने नियम को सही करो। संयम और नियम में रहकर अपनी सफलता की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। वो दिन दूर नहीं जब तुम सफल हो जाओ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।